नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी शिमला टूर पर जाना चाहते हैं तो 2020 में यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शिमला कब जाए, कैसे जाए, बस से जाए या ट्रेन से, बस टैक्सी का किराया क्या होगा, वहाँ पर होटल का किराया क्या होगा और वहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या जगह है। यह सब बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट साइड में लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल की घंटी को भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला में घूमने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर जाते हैं, पर आपको वहाँ पर कब जाना चाहिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। शिमला जाना गर्मी के मौसम में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप गर्मी के मौसम में जाते हो तो आपके टूर में चार चांद लग जाते हैं। अगर देखा जाए तो शिमला में जाने का सही समय मार्च से जून तक का होता है। इस समय आपको वहाँ पर बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं होगा और अगर आपको बर्फ का लुत्फ़ उठाना है तो इसका सही समय दिसंबर से फरवरी के बीच में रहता है। मार्च से जून के बीच में शिमला का तापमान 15 से 30 डिग्री के बीच में रहता है। यही सही मौसम है शिमला में जाने का। इस मौसम में शिमला का सबसे सुहाना मौसम माना जाता है। अब हम बात करते हैं कैसे पहुँचे शिमला। अगर आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो शिमला का एयरपोर्ट शहर से 23 किलोमीटर दूर जुबरहटी में है। इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, कुल्लू से यहाँ के लिए डेली फ्लाइट सर्विस भी उपलब्ध हैं। अगर मैं बस की बात करूँ तो दिल्ली से मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दिल्ली शिमला से पूरी तरह से कनेक्टेड है। दिल्ली ISBT से आपको बस सेवाएँ मिल जाएगी, जिसका टाइमिंग कुछ इस प्रकार है। मॉर्निंग की बात करें तो 6:45 को आपको बस मिल जाएगी, उसके बाद 8 बजे, उसके बाद 9:25 पर, उसके बाद 11:55 में। अगर इवनिंग की बात करें तो 8:02 पर, 9:30 पर, 10 बजे, 10:30 पर और 11 बजे। अगर इनके किराए की बात करें तो ₹965 प्रति व्यक्ति इसका किराया लगने वाला है। यह सब बस मिलेगी आपको दिल्ली ISBT से। जो लास्ट में बस हैं वह आपको हिमाचल भवन दिल्ली से मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऑर्डिनरी बस भी आपको आसानी से मिल जाएगी। ये सब बसें आपको दिल्ली से शिमला 10 से 12 घंटे में पहुंचा देगी। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बस के टाइमिंग की। सवेरे 8:50 को आपको बस मिलेगी, उसके बाद 11 बजे, उसके बाद 12:30 को, उसके बाद 3:30 पर, उसके बाद 4:50, उसके बाद 5:59, उसके बाद 6:31, उसके बाद 7:20 पर। यह ऑर्डिनरी बस का टाइमिंग है। यह बसें नॉन एसी हैं। अगर इनके किराए की बात करें तो ₹440 प्रति व्यक्ति आपको लेकर जाएगी। चाहे तो आप इनमें भी जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं जाने की तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्रेन का रहेगा। इसके लिए आपको पहले दिल्ली से कालका स्टेशन आना होगा और वहां पर आपको शिमला जाने के लिए 5 अलग अलग टॉय ट्रेन मिलेगी जो सुंदर नज़ारों से होकर गुजरती हैं। इस पूरी जर्नी में आपको 350 से अधिक टनल देखने को मिलेंगे। कालका से पहली ट्रेन कालका शिमला एक्सप्रेस, इसके टाइमिंग की बात करें तो 6:20 पर सवेरे आपको मिलेगी। इसके किराए की बात करें तो सेकंड सीटिंग का ₹65, एसी चेयर का ₹130, फर्स्ट क्लास का ₹295। इसके अलावा दूसरी ट्रेन है हिमालया क्यून, टाइमिंग की बात करें तो 12:10 पर आपको यह मिलेगी। एसी चेयर की बात करें तो ₹260 इसका किराया होगा, फर्स्ट क्लास की बात करें तो ₹407 इसके किराया होगा, जो आपको 5:30 को वहां पर पहुंचा देगी। तीसरी ट्रेन की बात करें तो कालका शिमला
स्पेशल। इसका टाइमिंग है 1:05 PM पर। कालका शिमला पैसेंजर इसके बाद वाली ट्रेन है जिसका टाइमिंग 3:30 PM है। अगर इनके किराए की बात करें तो 270 रुपये किराया है। पाँचवीं ट्रेन है शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस, टाइमिंग की बात करें तो 5:45 AM। फर्स्ट क्लास का किराया होगा 565 रुपये। अब आपको यह देखना है कि किस ट्रेन में आपको जाना है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन सब ट्रेन की बुकिंग आप रेलवे की वेबसाइट IRCTC से कर सकते हो और आपको आसानी से सीट भी मिल जाएगी। कालका से शिमला की दूरी की बात करें तो 96 किलोमीटर है। ट्रेन काफ़ी स्लो चलती है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। शिमला आने के बाद अब हम बात करते हैं होटल रूम की, जो काफ़ी महंगे होते हैं। प्राइवेट होटल रूम की बात करें तो उनका रेट 1500 से 2000 या इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। इसको आप आसानी से ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो, लेकिन आप सस्ते में भी वहाँ पर रह सकते हैं। इसके लिए आपको धर्मशाला में रहना पड़ेगा। एक ऐसी धर्मशाला है जहाँ पर आप आसानी से रह सकते हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर अग्रवाल धर्मशाला। इसका चेकिंग टाइम सुबह 9 बजे का रहता है और चेक आउट टाइम 12 बजे का रहता है। वहाँ पर आपको फूड अवेलेबल नहीं होगा और पार्किंग की भी सुविधा नहीं मिलेगी। आप खाना बाहर से खा सकते हो या मंगवा सकते हो। इसके रेंट की बात करें तो 2 बेड नॉन एसी रूम 400 रुपये में आपको मिल जाएगा और 4 बेड नॉन एसी रूम 800 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाएगा। अगर आप गर्म पानी लेते हो तो 25 रुपये पर बॉकेट आपको दिया जाएगा। इस धर्मशाला में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। और बात करें दूरी की तो शिमला बस स्टैंड से 7 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन से 3-3.5 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा भी आपको और भी धर्मशालाएँ आसानी से वहाँ पर मिल जाएगी, जो कि इनसे थोड़ी ज़्यादा रेट ज़्यादा है पर आपको आसानी से मिल जाएगी। मेरा मानना तो यही है कि आप प्राइवेट रूम से अच्छा धर्मशाला में ही रुकना बेस्ट है। फिर भी आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। वैसे तो शिमला में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, परंतु हम फेमस जगहों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि माल रोड, माल रोड पर आप आसानी से घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, आप खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर खा सकते हैं। आपको वहाँ पर सारी सुविधाएँ मिल जाएगी। इसके अलावा क्रिस्ट चर्च आप जा सकते हैं। यह बहुत पुराना चर्च है, यह अंग्रेज़ों का बनाया हुआ चर्च है। यहाँ पर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो, वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको शाम के टाइम काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, जो एक बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। इसके अलावा आप हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस टेम्पल है। इसके अलावा शिमला स्टेट म्यूजियम में भी आप जा सकते हैं। शिमला से थोड़ी दूर अगर आप जाना चाहते हैं तो कुफरी आप जा सकते हैं। वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को आपको वहाँ पर मिलेगा। कुफरी आप बस या टैक्सी से जा सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी महंगे होते हैं तो आप बस से ही वहाँ पर जाए। इसके अलावा और भी जगहों पर जाना चाहते हैं तो शिमला मॉल रोड पर जाकर उनके ऑफिस में विजिट करें, बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और प्राइस लिस्ट भी आपके हाथ में दी जाएगी कि कहाँ पर घूमने का कितना पैसा लगेगा। सब कुछ जानकारी आपको ऑफिस से मिल जाएगी। मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप शिमला से मनाली भी जा सकते हो। शिमला में बहुत सारी ऐसी जगह हैं आसपास जहाँ पर आप आसानी से घूमने के लिए जा सकते हो। शिमला से मनाली जाने के किराए की बात करें तो 600 रुपये समथिंग वहाँ का लगता है। आप बस में वहाँ पर जा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।